hi friends welcome back to pa the english shooter now today we are going to study for the uh, for standard 11th chapter number 2 the address from snapshot written by minko marga okay so let's start the chapter without wasting time let's start the story up ये जो स्टोरी है इट इज़ ऑल अबाउट वन डॉटर एक डॉटर है उसके बारे में है जो अपनी मम्मी का सामान वापस लेने जाती है अब इसमें ऐसा था कि उसकी मम्मी उनकी जो भी कितनी भी चीज़ें वगैरह जो भी होती है वो सब किसी एक लेडी के वहाँ रखवाती हैं ठीक है ठेके? और ऐसा सब क्यों करवाती हैं बिकॉज वहाँ पे वॉर वाला सिचुएशन हो रहा था हॉलैंड में उस समय वॉर चल रहे थे तो इसलिए उनकी एक फ्रेंड है वो उनके घर से सारा सामान कलेक्ट करती है और वहाँ पर ले जाती है अपने घर पे ताकि वो सेफ रख सकें नाउ द डॉटर वेंट देर ब्रिंग्स यानी कि हर चीज़ और उसकी मम्मी फिर उसको एक एड्रेस देती है कहती है कि भाई लास्ट में आप जब ये सब कुछ क्लियर हो जाए तो हम यहाँ से अपना सामान ला सकते हैं करके वो अपना उसका एड्रेस दे देती है उनको नाउ वॉट हैपन्स और इस स्टोरी में एक ट्विस्ट भी है एंड वॉट्स द ट्विस्ट कि ये जो डॉटर हैं वो अपना सारा सामान लेने के लिए उस लेडी के घर पर जाती है काफ़ी समय बाद लेकिन वो वहाँ से कुछ भी नहीं लेके आती है वाइट हैपन्स सो ओके तो ये जो चीज़ है इसको हमें ध्यान रखना है और इसके ऊपर हमें अब गियर द स्टोरी समरी मैंने आपको एक शॉर्ट में थोड़ा बता दिया अब हम उसको डीपली देखेंगे दैट रियली वॉट हैपन्स वॉट वॉज द रीजन वो कुछ भी नहीं लेके आई ओके सो लेट्स द स्टोरी नाउ दर्ल ये गर्ल मतलब कौन है ये लड़की कौन है द ऑथर इट सेल्फ ओके ये कई सालों बाद वापस से उस लेडी के पास जाती हैं अपना सारा सामान लेने के लिए जा रही हैं और तभी वो डोर नॉक करते हैं तो अंदर से एक लेडी बाहर आती है तो वो पूछती है कि भाई क्या आपने मुझे क्या आप मुझे पहचानते हैं क्या आपको मैं याद हूँ देन लिसनिंग दिस द लेडी ऑब्जर्व हर और फिर बोलती हैं नो आई डोंट नो यू सो द डॉटर रिप्लाइज कि मैं मिसिस एस की बेटी हूँ ओके आई एम द डॉटर ऑफ मिसिस एस इतना सुनकर वो लेडी उस गर्ल को बहुत ही ध्यान से देखने लगती है और ये देखकर कर जब मत... वो इतनी ध्यान से उस ले लेड़... वो लेडी जब इतनी ध्यान से उसे देख रही होती है तो वो वो देखकर ये भी कंफ्यूज हो जाती है द गर्ल आल्सो गेट कन्फ्यूज कि आखिर ये हो क्या रहा है कहीं मैं गलत एड्रेस पे तो नहीं आ गई हूँ बिकॉज उसने उन्हें सिर्फ उस समय ही देखा था जब वो छोटी थी ओके एंड एक ही बार देखा था शायद मतलब एक बार या ऐसा कुछ ही देखा होगा तो माइट बी शी है मिस्टोकन ओके अब वो लेडी थोड़ा सा और डोर खोलती है और थोड़ा बाहर आती है एंड मतलब गर्ल को ऑब्जर्व करती रहती है और तभी वो गर्ल देखती है वो स्वेटर तो उसे याद आता है कि ये स्वेटर मैंने देखा देखा सा उसके इवन बटन्स भी बहुत ज़्यादा वॉश करने के कारण थोड़े फीके हो गए थे और वो याद करती है तो उसे याद आता है कि ये स्वेटर तो मेरी मम्मी ने ही बनाया हुआ है ओके okay, तो उसे ये चीज़ ध्यान आ जाती है फिर वो क्लियर हो जाती है कि मैं तो अब सही ही एड्रेस पे हूँ एम मतलब मैं एग्जेट सही एड्रेस पे आई हूँ और अब वो कॉन्फिडेंटली उस लेडी को वापस से पूछती है डू यू रिकॉल मी ओके और इस बार आप लोग वो लेडी पूछती है कि क्या आप लोग वापस आ गए हैं तो गर्ल रिप्लाई नहीं कोई नहीं आया सिर्फ मैं ही आई हूँ और इतनी ही देर में अंदर से कुछ आवाज़ सी आती है वो अंदर कॉरिडोर की तरफ देखती है और वापस से वहाँ कुछ नहीं होता है ओके okay, और ये देखकर फिर वो लेडी बोलती है कि आई कान टॉक टू यू राइट नाउ ये सही समय नहीं है इसलिए जस्ट लीव एंड गो अवे फ्रॉम योर राइट नाउ मैं अभी तुमसे कोई बात नहीं कर सकती हूँ ओके okay? और इतना सुनकर वो लड़की बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है ऑथर बहुत बुरा फील करती है और फिर बाद में उन्हें रिक्वेस्ट करती है प्लीज़ लेट मी अलाउ टू मेको सिर्फ आपसे थोड़ी देर बात करनी है मुझे कुछ भी नहीं काम ज़्यादा और मैं बहुत दूर से आई हूँ स्पेशल ट्रेन से आई हूँ मीन्स गिव मी सम टाइम लेकिन वो लेडी डोर बंद कर देती है और अंदर चली जाती है तभी वो बाहर निकलती है लेकिन अभी थोड़ी देर वहाँ खड़ी रहती है और तभी उसको ऐसा फील होता है कि शायद कर्टेन से मुझे कोई देख रहा था ओके okay, तो माइट भी ये हो सकता है कि किसी ने उन्हें पूछा हो भी कौन आया था और उनने शायद ये रिप्लाई किया हो कि पता नहीं कोई होगा कोई नहीं है ओके okay, अब वो बाहर निकलती है और बाहर निकल के वो वापस से उस एड्रेस के नेम प्लेट को देखती है देर इट्स रिटेन मिसेस डॉगलिंग हाउस नंबर फोर्टी सिक्स ओके मार्कोनी स्ट्रीट उन्हें याद भी आता है कि हाँ यही तो एड्रेस फोर्टी मतलब ये उनको दिमाग में था कहीं ना कहीं ओके okay? सो so, वो ये एड्रेस को देखती हैं और फिर बाद में वो वापस से मुड़कर जाने लगती हैं और फिर वो वहाँ से अपना सामान लेकर और निकल जाती हैं जब वो रिटर्न जा रही होती है तो रास्ते में चलते चलते उन्हें याद आता है कि भाई उस समय वॉर का मतलब फर्स्ट हाफ़ चल रहा था ऑलमोस्ट ओके और वो जब भी घर पे आती तो रोज़ उन्हें अपने घर में कुछ चेंज देखने मिलता था मतलब बहुत सारा सामान गायब होता था हमेशा थोड़ा थोड़ा सामान वो घर से गायब हो जाता था फिर एक दिन उन्होंने अपनी मम्मी से पूछ लिया दैट ये सारा सामान जाता कहाँ है ओके okay. तो द मम्मा रिप्लाइड दैट ये एक तब फिर मम्मा ने उन्हें ये एड्रेस दिया था कि भाई ये इस एड्रेस पे ये आंटी हैं वो अपना सारा सामान ले जाते हैं ताकि वो हमें हमारा सामान सेफ़ रख सके क्योंकि हम ये वॉर के हिसाब से कभी भी यहाँ से शिफ्ट हो सकते हैं हम यहाँ से कभी भी आउट कर सकते हैं इवन उन्हें ये भी याद आता है ना दिस ऑथर उन्हें ये याद आता है कि जब भी मिसेस डॉगली -भी उनके घर आती थी तो वो बड़े बड़े बैग्स उठाकर लेके आती थी और उसमें बहुत सारा प्रेस सामान उनका ले जाती थी कभी सिल्वर कभी ऑर्नामेंट्स कभी एंटिक सामान ओके okay, ऐसी बहुत सारी चीज़ें ले जाती थी और उन्हें याद आता है कि इंसी मतलब इंसिडेंट की मम ये इंसिडेंट याद आता है कि मम्मी ने कभी उन्हें ये सारी चीज़ें ले जाने के लिए कहा ही नहीं था ओके ये बात उनकी मम्मी उन्हें बताती है कि मैंने ऐसा नहीं बोला लेकिन उसकी जगह वो आंटी ने खुद ही ने बोला मतलब माइट भी उनके अच्छे रिलेशंस थे इनके साथ में एंड ऑल ओके तो उन्हीं ने बोला कि मैं आपका धीमे धीमे करके सारा सामान ले जाऊंगी और आपका सामान सेफली रख लूंगी तभी ऑथर पूछती है लेकिन मम्मा अगर आप नहीं ले जाने देना चाहती तो हाउ कुड यू डू दैट आपको उन्हें ना बोल देना चाहिए था आपने उन्हें क्यों ले जाने दिया तो मदर रिप्लाइड कि नहीं मैं अगर उन्हें ना बोल देती तो ये उनकी इंसल्ट होती ओके okay? और मैं उनकी इंसल्ट करना नहीं चाहती थी दैट्स व आई गेव परमिशन और ऐसे ही सोचते सोचते वो स्टेशन पहुंच जाती हैं और पूरे रास्ते वो कई आसपास कई सारी चीज़ों को देखती हैं लेकिन उन सब चीज़ों को वो अवॉइड कर देती किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं देती बिकॉज वो उन सब चीज़ों से इमोशनली अटैच होती हैं उनका बचपन वहाँ बीता होता है वो हर चीज़ हर एक रोड हर एक मतलब हर हर गली को सबको पहचानती होती है तो वो अपने आप को सैड करना नहीं चाहती थी दैट्स वाई इग्नोरिंग ऑल दोज थिंग्स वो सीधा सीधा स्टेशन पे निकल जाती हैं और अब उन्हें एक और इंसिडेंट याद आता है मतलब जब वो फर्स्ट टाइम मिसेस डॉगलिंग से मिली थी उस दिन वो बहुत लेट उठी थी उठ के अपने स्टेर से नीचे आ रही थी और तभी उनकी मम्मा मम्मा ने उन्हें उनसे मिलवाया था कि यर् शी इज़ ये मिसेस डॉगलिंग है ओके okay? और उन तभी भी उनने देखा था कि उनके पास बहुत बड़े बड़े बैग्स थे ओके दैट टाइम वो पूछती कि फिर उनने पूछा अपनी मम्मी से कि मम्मा ये इतने भारी इतने बड़े बड़े बैग्स लेकर जाती है तो इनका घर कहाँ है पास में ही है या दूर है ओके okay? तो और मतलब ये चीज़ पूछती और फिर बाद में उन्हें वापस याद आता है कि एक बार वो ट्रेन में जा रही थी तो मिसेस डॉगली उनके आगे वाली सीट पर बैठी हुई थी इन द विद ब्लैक कोट एंड शेपलेस हैट तब फिर वो अपनी मम्मी को पूछती हैं कि भाई वो इतना सारा सामान लेकर जाती हैं तो उनका घर कहाँ है क्या उनका घर पास में ही है बिकॉज इतना सारा लगेज लेके जाना दैट वुड दैट मतलब वो उनके लिए एक प्रॉब्लम होगी ओके okay? तब फिर बाद में उनकी मम्मी उन्हें मिसेस डॉगलिंग का एड्रेस दे देती हैं जिससे जिसमें लिखा होता है कि इन मार्कोनी स्ट्रीट हाउस नंबर फोर्टी सिक्स और बोलती है कि बेटा ये याद रखना अब ये वॉर को ख़त्म हुए काफ़ी दिन हो चुके थे उनकी मम्मा ये सोचती थी कि मैं ये सारा सामान वापस ले आऊँ लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती थी क्योंकि वो सोचती थी कि क्या पता उनने सब कुछ सेफली रखा हुआ होगा सब कुछ अच्छे से बॉक्स में पैक करके रखा होगा वो मेरे कारण डिस्टर्ब होंगे कबर्ड में रखा होगा ओके और वैसे भी जब सब कुछ सेफ़ है तो आई शुड आई बॉर्दर अबाउट ऑल दोज थिंग्स ओके मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है तो ऐसा सोच के वो उन बात को टाल देती थी अब ये जब ऑथर फर्स्ट टाइम मिसेस डॉगलिंग के घर पे गई थी टू कलेक्ट द लग टू कलेक्ट ऑल द थिंग्स ओके वो वापस से कई दिन बीत चुके होते हैं अब तो जो वो उनका फर्स्ट विजिट फेल हो जाता है तो अब वो सोचती है दोबारा जाने के लिए एक रेगुलर डे होता है ये सोचती है कि क्या उनके पास वो सारी चीज़ें अभी भी होंगी क्या उन्होंने संभाल कर रखा होगा वो सब क्या क्या चीज़ें होंगी क्योंकि वो तो छोटी थी उस समय तो उनको इतना ज़्यादा पता नहीं था कि वो क्या क्या चीज़ें लेके गई हैं तो वो सोचती है भाई वो चीज़ें क्या क्या थी आखिर और ये सब कुछ वो सोचने लगती है अब इस बार जाके गेट नॉक करती है इस बार गेट एक छोटी बच्ची खोलती है ओके एंड शी इज फिफ्टीन ईयर्स ओल्ड गेट खोलती है ऑथर उन्हें पूछते हैं कि भाई आपकी मम्मी कहाँ है तो शी रिप्लाइड मम्मी अभी बाहर गई है लेकिन आप अंदर आके बैठ सकती हैं और वो उन्हें लिविंग रूम की तरफ ले जाती है जब वो लिविंग रूम की तरफ जा रही होती है तो वहाँ पर एक कैंडल होल्डर पड़ा होता है वो देखती है उस कैंडल होल्डर को और फिर उन्हें ध्यान आता है कि ये तो उन्हीं का है इवे शी थिंक कि यहाँ ये मतलब आ, मेहनत का ये बहुत मेहनत का काम करे ये ऐसा सब उनको नहीं करना था क्योंकि कैंडल्स कैंडल स्टैंड के अंदर लगानी उस फिर बाद में उनको ब्लो करना ये सब कुछ उनको नहीं पसंद था तो वो लोग उसे यूज़ नहीं करते थे जबकि यहाँ पर वो यूज़ हो रही थी मगर इन शॉर्ट वो देख वो पहचान जाती है कि ये कैंडल होल्डर हमारा है नाउ द लिटिल गर्ल ओपन द डोर ऑफ लिविंग रूम और उन्हें बोलती है कि भाई आप प्लीज़ यहाँ पर बैठ जाइए मैं आपके लिए चाय बना के लेके आती हूँ अजीब लगता है उसको जब वो देखती है वहाँ पर सब कुछ उन मतलब हर एक चीज़ हर एक, एक एंटिक सामान वहाँ पर बहुत सब कुछ होता है सब कुछ ऐसे ही उनके लिविंग रूम में बिखरा पड़ा होता है कोई चीज़ कहीं है कोई चीज़ कहीं है हर जगह पर कुछ ना कुछ चीज़ें होती है उनका बहुत सारा एंटिक सामान था और कहीं मतलब बुरी तरह से पटका हुआ था तो उनको ये लगता था कि ये सारी चीज़ें हमें बिलोंग करती हैं उनको देखकर ये सब चीज़ें याद आ गई थी नाउ द लिटिल गर्ल गेव हर अ चेयर टू सेट नीर द टेबल और जब वो टेबल देखती हैं तो टेबल के ऊपर एक टेबल क्लॉथ बिछा हुआ होता है उन्हें याद आता है कि हाँ उनकी ममा ने एक बार बोला था कि ये ये जो टेबल क्लॉथ है उसके एज के ऊपर थोड़ा जल गया था जब वो छोटी थी तब उनसे तो वो देखकर पहचान जाती है कि हाँ ये भी शायद हमारा ही टेबल क्लॉथ होना चाहिए तब वो गर्ल ओके द डॉटर ऑफ मिसेस डॉगलिंग वो जाती हैं और चाय बना के लेके आती है चाय लेने जाती हैं तो जब वो चाय निकाल रही होती है तब भी शी नोटीज़ दैट वाइट टी पॉट विद अ गोल्डन स्ट्रीप तो उन्हें देख के याद आता है कि ये तो हमारा था फिर ऐसे ही देखते देखते उनका ध्यान वॉल पर जाता है वॉल पर टंगी हुई एंटिक प्लेट्स पर जाता है ओके okay, वो देखकर वो उस लिटिल गर्ल को बोलती हैं कि ये कितनी सुंदर हैं एंड एंटिक uh, है ना तो द तो गर्ल रिप्लाइड कि हाँ हमारे घर में ऐसी बहुत सारी एंटिक चीज़ें हैं ओके okay, मम्मा बोलती हैं कि हमारे पास बहुत सारे एंटिक सामान हैं वो लड़की अलग अलग चीज़ों पे उंगली से इशारा करके बताती है कि भाई देखो ये वो चीज़ है ये वो चीज़ है लेकिन ये ऑथर को किसी भी इशारे की ज़रूरत नहीं थी बिकॉज़ वो अपनी हर चीज़ को पहचानती थी ओके okay, उन्हें ये सब चीज़ें देख के रियलाइज़ हो गया था ये सब हमारा है तब फिर वो लड़की बोलती है कि हमने इस घर में सजी हुई हर एक प्लेट हर एक एंटिक बर्तनों में खाना खाया हुआ है हमने एक बार तो खाया हुआ है ओके और मतलब वहाँ पर पड़ी एक एक प्लेट हर एक चीज़ में अब एक प्लेट जब वो देखती है ऑथर तो उनको याद आता है कि हाँ ये तो वही प्लेट है जो वो बचपन में बहुत अच्छे से रखती थी और उसे सजाने के लिए उसके ऊपर एक एप्पल रखा करती थी फिर ये सब चीज़ें देख कर फिर ऑथर वो लड़की को बोलती हैं कि भाई तुम तो ये सारी चीज़ें रोज़ देखती हो इसलिए तुम्हें उनकी आदत हो गई है ओके तुम्हें इनके बारे में इतना कुछ लगाव या वो वाली चीज़ नहीं होगी लेकिन जब कोई चीज़ अपने अपन से दूर जाती है तब हमें उन चीज़ों का एहसास होता है जब हमसे कोई चीज़ बिछड़ जाती है ओके तब हमें वो बीते हुए पल याद आते हैं कोई इंसान छूट जाता है कोई सामान छूट जाता है तब हमें उनकी अहमियत समझ में आती है ऑथर ऐसा कुछ भी बोलना नहीं चाहती थी लेकिन पता नहीं क्यों उनके मुँह से ये सब कुछ अपने आप निकलने लगता है अब ऑथर और ऐसे ही बातें करते करते उनका ध्यान एक आ, मतलब सिल्वर प्लेट पे जाता है तब वो उस लड़की को बोलती है कि एक बार मैं छोटी थी और बहुत बोर फील कर रही थी तो मम्मी ने मुझे बुलाया और बोला कि चलो हम ये सिल्वर के बर्तन सारे पॉलिश कर देते हैं तो आई वॉज शॉक्ड कि मम्मी सिल्वर के बर्तन आप किसके बारे में बात कर रहे हैं ये प्लेट और चम्मच जिसमें हम रोज खाते हैं मम्मा रिप्लाइड यस तब मुझे पता ही चला कि मैं जिसमें खाना खाती हूँ वो सिल्वर प्लेट है और ये सुनकर वो लड़की हंसने लगती है कि तुम्हें इतना भी नहीं पता था और जैसे ही वो हंसती है तो ये वापस ऑथर उन्हें जवाब देती है कि शायद ऐसा हो सकता है कि माइड भी तुम्हें भी नहीं पता हो कि तुम जिसमें खाती हो वो वो सिल्वर के ही बर्तन हो अब ऐसे ही बोलते बोलते और टाइम उनका टाइम पूरा हो जाता है उनके ट्रेन का टाइम हो जाता है तो वो बोलती है अब मुझे निकलना चाहिए मेरी ट्रेन का टाइम हो रहा है तो वो गर्ल इंसिस्ट कि प्लीज़ आप थोड़ी देर रुक जाइए आप मेरे घर आई हैं मम्मा नहीं है अभी तो एटलीस्ट मम्मा से मिल जाइएगा ओके बट वो ना बोल देती हैं और वो लड़की को भी एगरनेस होता है कि क्या मैं जिसमें खा रही हूँ शायद वो बर्तन सिल्वर के हैं उसको भी जल्दी जल्दी किचन में जाना होता है तो वो किचन में जाकर और आ, सारे मतलब स्पूं वगैरह चेक करती है कटलेरी चेक करती है कि कहीं ये वही सिल्वर कटलेरी तो नहीं और दूसरी तरफ ऑथर अपना रास्ता अपने आप देख लेती है बिकॉज वो जिस एड्रेस जिस कॉरिडोर से आई होती है वो उसी कॉरिडोर से वापस बाहर निकल जाती है उसे अपना बचपन याद आता है अब इस बार जब वो घर से बाहर जाती है तब सामने उन्हें वही नेम प्लेट दिखती है वापस से उनका ध्यान उस नेम प्लेट पे जाता है लेकिन इस बार वो बोलती है अब मैं इस नेम प्लेट को अब मैं इस एड्रेस को पूरी तरह से भूल जाना चाहती हूँ अब मैं इसे वापस से याद नहीं करना चाहती वाई इट इज़ सो बिकॉज उनके बचपन की सारी यादें उससे जुड़ी हुई थी उनके घर में हर एक चीज़ थी ओके वो सारी चीज़ें उनकी थी लेकिन फिर वो अपने आप अपना मन मनाती है और बोलती है कि नहीं अब हम जिस घर में रहते हैं वो घर बहुत छोटा है ओके उसमें इतनी जगह ही नहीं है कि हम ये सारा एंटिक सामान वहाँ रख सकें इवन हमारे तो टेबल के ड्रॉर्स भी छोटे हैं हम उसमें थोड़ी बहुत कटलेरी रख सकते हैं बस तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए अब यूज़लेस हैं और ऐसे सोच के वो वहाँ से चली जाती हैं क्लियर है चैप्टर थैंक यू प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और अगर आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है स्टोरी नहीं समझ में आती तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन थैंक यू